हेलो फ्रेंड्स। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट की, जहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक कण है, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाए, उसको ऊर्ध्वाधर गति में घुमाया जाए यानी कि वर्टिकल सर्किल में घुमाया जाए, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ये जो माइक है, इसको मान लेते हैं ये कण है या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, जैसे इसकी रस्सी में बंधा हुआ है, और इसको हम इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरह से सर्किल में घुमाते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी जब ये सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे टॉप पे जा रहा है, तब क्या होगी, जब इधर आ रहा है तब क्या होगी, सबसे नीचे जा रहा है तब क्या इसकी वेलोसिटी होगी, और ये सर्किल में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसमें ये जो टेंशन लग रहा है ये कितनी होगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरली आप इसको एक ऐसा समझ सकते हैं, एक रस्सी और उससे एक पत्थर बंधा हुआ है और उसको इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। उसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में जो देखा था अपकेंद्र बल, जो कि एक आभासी बल है, उसके एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। तो वो एप्लीकेशन है दूध से, हम लोग जो हमारा दूध होता है उससे हम लोग क्रीम कैसे अलग करते हैं, जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है वो उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो एक बर्तन मान लीजिए, ये एक बेजल है, ये घूम रहा है, ये बर्तन है वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसमें जो दूध होगा, जो दूध रखा है वो भी इसी फॉर्म में इस तरह से घूम रहा होगा, तो ये घूमता जाएगा, तो इसमें कुछ कण, दूध के कुछ कण जो होंगे वो भारी होंगे, कुछ हल्के होंगे। तो जो कण हल्के होंगे, जैसे कि मैंने बताया सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल इसको मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इस दूध की परतों से, दूध की परतों के बीच में जो घर्षण होगा वहां से अभिकेंद्रीय बल इसको मिलेगा, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अचानक से रस्सी काट दी जाए, जैसे ये घूमते घूमते इसको घुमाते घुमाते अचानक से ये रस्सी टूट जाए, जिससे बंधा हुआ है डोरी टूट जाए, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ फिर जाएगा, बाहर की तरफ अपने सीधे रास्ते में निकल जाएगा, इस तरफ को बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रस्सी तो बंधी नहीं होती है, तो जो भारी कण होते हैं वो ज्यादा उन पर ज्यादा बल लग रहा होता है, वो ज्यादा दूर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनकी जितना ज्यादा भारी कण होगा वो उतना ज्यादा जो अपकेंद्र बल है उसको महसूस करेगा। हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था इसके पहले वीडियो में। तो जितने भारी कण है वो पीछे की तरफ दूर की तरफ चले जाते हैं, जितने भी हल्के कण हैं वो पास में घूमने लगते हैं, तो क्योंकि उनमें घर्षण ज्यादा है, तो बड़े कण जो है वो घर्षण से ज्यादा बल का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर निकल जाते हैं, और छोटे जो कण होते हैं उनमें घर्षण की वजह से वो पास में आ जाते हैं, तो क्रीम और दूध अलग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था। इसको एक मशीन जो होती है, इसको आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं, या फिर अपकेंद्रित मशीन कहते हैं, जो कि जनरली दूध से क्रीम अलग करने की मशीन जो होती है वो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डोरी से बंधे हुए कण को अगर हम लोग, यानी कि अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्किल, तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पहले से बना दिया है ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये बिंदु से मान लीजिए एल लंबाई की, एल यानी कि इसकी त्रिज्या को हम एल इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे हम लंबाई ले रहे हैं, आप आर भी ले सकते हैं, आर से भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। तो एल लंबाई की रस्सी से कोई कण यहाँ पे जिसका वजन एम है वो बंधा हुआ है और वो घूम रहा है, तो हम कोई एक पॉइंट यहां से, इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने मान लीजिए एक पॉइंट यहां ले लिया, और यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं, तो हम थीटा फिर ये लेंगे या फिर थीटा हम इस तरफ बांध लेंगे। तो हमने यहां से स्टार्ट किया कि बी पॉइंट पे रुका था और इसने घूमना शुरू किया, तो इसकी वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं वी है, और चूंकि ये ऊपर नीचे घूम रहा है तो ऊपर इसकी वेलोसिटी कम होगी और नीचे सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, तो ये घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी से आगे बढ़ रहा है, इस पे का जो वेट है वो mg है, इसमें जो रस्सी में जो टेंशन पैदा होगी उसी से इसको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा, तो वो मान रहे हैं t है, और इसकी लंबाई जो है यानी कि इसकी जो रेडियस है वो है r, या फिर यहाँ पे l हमने ली हुई है। तो जब यहां थीटा बन रहा है तो हमने जो इसका mg है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, तो mg को नीचे लगाया, और ये इस एंगल में इस mg को, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन को बैलेंस करना है, तो टेंशन के घटक में हमने कन्वर्ट किया, तो थीटा यहां था तो थीटा ही यहां होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। सिमिलरली हमने टेंशन को यानी कि लंबाई, रस्सी की लंबाई l है, तो ये वैल्यू हो जाएगी l cos थीटा,
ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल कॉस थीटा। और अगर आप बात करें तो यहां पे ये जो लंबाई होगी इतनी ये होगी एल साइन थीटा, लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है तो इसको हमें नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इसकी जरूरत अभी आगे पढ़ने वाली, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया। तो ये तो पूरी एल हो गई क्योंकि ये रेडियस है, और ये जो हिस्सा है हमने इससे कैलकुलेट किया कि थीटा एंगल पे लाया, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उनसे भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल फोर्स लग रहा है, अभिकेंद्र बल एफ कितना होगा, एमवी स्क्वायर अपॉन आर, एमवी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे आर की जगह हम क्या लेने वाले हैं एल, क्यों, क्योंकि हमने रेडियस को एल से डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई डोरी की लंबाई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि एफ की वैल्यू क्या है, एफ वही होगा जो इस टेंशन की वजह से होगा, लेकिन टेंशन की एक फोर्स इस तरफ लग रहा है दूसरा इस तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वही यहाँ पे हमारा अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो वो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास है एफ इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी टी, एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, क्योंकि टी इस तरफ को लग रहा है, टी बड़ा होगा तभी इसको बल मिलेगा, एम जी कॉस थीटा से बड़ा होना चाहिए टी, तो एम जी टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, हम इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम थीटा की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट रखेंगे, जैसे यहां के लिए हम जीरो रख देंगे तो थीटा की वैल्यू, तो यहां पे सारी वैल्यू आ जाएंगी, यहां पे हम 180 रख देंगे तो सारी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन जो सॉल्यूशन, ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप गूगल प्ले स्टोर पे भी उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहां पे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे कि कैसे इसको लिखना है एग्जाम में। तो यहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन का। अब देखिए यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग टेंशन को निकाल लेते हैं, यानी कि ये माइनस का इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा टी इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग पोजीशन पे ऊपर क्योंकि फोर्स नीचे को लगेगा और टेंशन भी नीचे को लगेगी, तो ये कम हो जाएगी, इसमें टेंशन कम पड़ेगा, जैसे आप कोई भारी सा पत्थर लें उसको घुमाएं, तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपके हाथ पे कम जोर आएगा, नीचे आएगा जब सबसे नीचे होगा तो ज्यादा जोर आएगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी और टेंशन भी चेंज हो रही होगी, तो टेंशन का हमने इक्वेशन बना ली है। अब हम मान के चलना है किसी पॉइंट ए के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट ए के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम होगी, तो इसको हम टी ए डिनोट कर दे रहे हैं, तो टी ए इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पे हमें पता है, यहां से हम काउंट कर रहे हैं, तो यहां तो थीटा हमको एक पॉइंट ले रहे थे, लेकिन जब हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो ये पूरा वैल्यू थीटा ये हो जाएगा, ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री 180 अंश, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जाएगा तो ये आधा सर्किल घूम जाएगा, तो 180 अंश हो जाएगा, तो 180 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, हमें मालूम है कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो टी ए की वैल्यू आ जाएगी टी ए इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस एम जी। ये हमारा टी ए यानी कि इस पोजिशन पे कितना टेंशन लग रहा है। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे टी ए की वैल्यू कम हो जाए, यानी कि इसको पर्याप्त बल ना मिले, तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा ही नहीं बल्कि नीचे गिर जाएगा, तो मिनिमम कौन सी यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये घूमता रहे, यानी कि टी की वैल्यू अगर जीरो भी हो जाती है तब भी ये चलेगा सर्कुलर में, लेकिन जीरो से कम होती है जैसे टी की वैल्यू, तो ये वहां पे सर्कुलर मोशन में नहीं चलेगा बल्कि नीचे की ओर गिर जाएगा, क्यों, उस कंडीशन में एम जी की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और जब एम जी की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये सर्कुलर घूम ही नहीं पाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन अगर जीरो भी होती है तब भी ये घूमेगा, क्यों, क्योंकि तब टोटल बल जीरो होगा, तो जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा होगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो टेंशन उसकी फिर से बढ़ने लग जाएगी और फिर से उसको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। तो हमें मान के चल रहे हैं कि कम से कम वो वेलोसिटी यहां पे कौन सी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या कि क्रांतिक वेग, कि ये सर्कुलर मोशन में बना रहे, तो उसके लिए क्या होगा, टी जीरो ही हो सकता है, जीरो से कम तो हो नहीं सकता, तो हम मान के चलते मिनिमम वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू जीरो रख देते हैं, टी ए की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम जी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एम वी
यहां से ए आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और एम से ये कट जाएगा, आर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां पे हमारे पास वी की वैल्यू जो होगी, वी की वैल्यू यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ आर जी, यानी कि हमारा, और इसको हम वी, ये चूंकि हमारा क्रिटिकल वेग है तो इसको हम वी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी सी वी सी और वी सी, तो ये हमारा वी सी कैलकुलेट हो जाता है। वी सी यानी कि वो पॉइंट, वो मिनिमम वेलोसिटी, अगर हमें सर्किल सर्कुलर मोशन में इसको रखना है तो वी की वैल्यू कम से कम अंडर रूट ऑफ आर जी से या तो इसके बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा। अगर हम इस रस्सी को, जैसा कि मैंने बताया, इसको अगर मैं सर्कुलर में घुमाना चाहता हूं तो वेलोसिटी इतनी, जैसे मैं बहुत स्लो घुमाता हूं, इस तरीके से घुमाता हूं, देखिए घूमेगा ही नहीं, अभी लोलक की तरह घूम रहा है। मैं इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाता हूं तो तब भी ये नहीं घूम रहा, लेकिन मैं इसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाता हूं तब ये देखिए घूमने लगा है। और एक जो इसकी मिनिमम वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतनी तेजी से घूमता रहेगा। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी का ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, यानी कि इतना तो वेलोसिटी होनी चाहिए अगर इसको हमें सर्कुलर घुमाना है। तो इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं या इस कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अब हम देखते हैं अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। आप यहां टेंशन में अलग अलग वैल्यू रख देंगे थीटा की, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन भी निकल आएगी जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहें, लेकिन हम अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया था यहां पे वेलोसिटी चेंज होगी। तो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो यहां तक हम आपको समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट पे हम ड्राइव कर चुके हैं। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे ड्राइव करने के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वहां पे एंड्रॉइड ऐप में आपको इसके सारे नोट्स मिल ही जाएंगे। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वी इक्व टू वी सी इक्व टू अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहें तो इन दोनों का हम रिलेशन बना ले, और इसकी वेलोसिटी हमें पता है, उसकी वैल्यू की वैल्यू रख देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर निकल आएगी। तो यहां पे इस पॉइंट पे इसकी कुछ एनर्जी होगी और इस पॉइंट पे इसकी कुछ एनर्जी होगी, और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, यानी कि हमारे पास जो ऊर्जा संरक्षण नियम का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो कम की जा सकती है, ना बढ़ाई जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, जिसको हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आपको समझना होगा एनर्जी हमारी फिक्स रहती है। तो एनर्जी यहां पे जितनी होगी उतनी ही यहां पे होगी। तो जितनी यहां पे, चूंकि वेलोसिटी बदल रही है, जब वेलोसिटी बदल रही है तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी बदलेगी। तो यहां पर जो गतिज ऊर्जा जितनी यहां तक जाने पे, क्योंकि वेलोसिटी यहां कम होगी, तो जितनी घटेगी उतनी ही स्थित ऊर्जा यानी कि स्टैटिक जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो एनर्जी कितनी घट रही है उसको देखते हैं। तो घट रही होगी हाफ एम बी स्क्वायर, यहां पे है, यहां पे पहुंचने पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये वी सी वाला भी है, जितनी वैल्यू कम होगी सी की, तो ये इसमें परिवर्तन है किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे से लिख देता हूं ताकि, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हाफ एम वी स्क्वायर पहले थी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये वी कौन सा है, वी सी वाला भी है, और इतना ही, जितनी ये कम हुई होगी उतनी ही स्थित ऊर्जा बढ़ेगी। तो स्थित ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मूला है एम जी एच, ये चीज दिखाया। तो यहां पे कितनी थी, यहां पे मान के चल रहे हैं जीरो, यहां पे मान के चल रहे कोई वैल्यू होगी, तो कितनी चेंज होगी, जितनी ये ऊंचाई कवर करेगा उतनी, इसमें प्लस क्या हो जाएगा, एम जी एच प्लस एल, यानी कि जितना ये इसने ऊंचाई तय की उतनी इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहां पे हम जो इतनी ऊंचाई इसने कवर की तो उतनी ही इसमें ऐड होगी। तो यहां पर स्थिति जो ऊर्जा कितनी चेंज होगी, कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी एम जी एम जी, और यहां पे क्या होगा, एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा, क्यों, एल ये वाली वैल्यू और एल कॉस थीटा, यहां से जितनी ऊंचाई तक गई है उतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहां तक टोटल ऊंचाई कितनी गई है, एल प्लस एल कॉस थीटा, तो हमने ये वैल्यू यहां रख दी है। अब यहां से देखिए, आप चाहे तो सॉल्व इसको कर लें, या फिर एम से एम कट जाएगा, एम कॉमन लेके एम से एम कट जाएगा, और टू का हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर इक्वल टू टू जी
एल प्लस एल कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहां से हमें अभी हाल हमने लोगों ने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वी सी इक्व टू अंडर रूट आर जी, तो यहां पे वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर जी, तो यहां पे हम आर जी यहां पे रख देंगे। और आर की वैल्यू क्या है, यहां पे आर की वैल्यू यहां पे एल है, ये मिस्टेक हो गई थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे आर की वैल्यू हमारी यहां पे एल है, आर की वैल्यू क्या है एल है, तो यहां पे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस आर एल इक्व टू टू जी एल प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए यहां से एल कॉमन ले लेंगे या फिर इसको इस तरफ ले आते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं वी स्क्वायर इक्व टू इसको मैं प्लस लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका टू जी एल, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस टू जी एल कॉस थीटा प्लस आर एल, ये हमारा टोटल फॉर्मूला हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी यहां आर एल नहीं है, यहां पे एल जी है, ये यहां पे मिस्टेक हो गई, एल जी वैल्यू रखनी है, तो यहां पे वैल्यू एल जी की आएगी, एल जी, और यहां पे एल जी ही इधर एल जी आएगा, तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए एल जी। अब देखिए यहां भी एल जी है, यहां भी एल जी है, यहां भी, तो वन एल जी और एल जी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो थ्री एल जी हो जाएगा, टू एल जी प्लस वन एल जी थ्री एल जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्व टू थ्री एल जी या फिर जी एल किसी को भी रख सकते हैं आगे पीछे, प्लस टू जी एल कॉस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, जीएल को आगे ले जा रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्व टू हो जाएगा, जीएल बाहर आ जाएगा, जीएल बाहर आ गया, हमारा किसी से वर्क नहीं करता है, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीएल आपका बाहर आ जाएगा, ये बचेगा थ्री प्लस टू कॉस थीटा, थ्री प्लस टू कॉस थीटा, और ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। अब इसको हम वी की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्व टू क्या हो जाएगा, v इक्व टू अंडर रूट ऑफ जी एल थ्री प्लस टू कॉस थीटा। अब जिसकी वही वैल्यू निकालनी है, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हमें जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे हम थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे, और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और टेंशन का हमारा जो फॉर्मूला था, अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे टेंशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा जो टेंशन का फॉर्मूला था, टी जो हमारी वैल्यू थी, टेंशन का फॉर्मूला था टी इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू थी, ये हमारी टी की वैल्यू थी। तो यहां पे v की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी m, और v की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो g l उसके बाद 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, और अपॉन में इसके अपॉन में था l, तो l से l ये कैंसिल आउट हो जाएगा, mg का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा t इक्व टू एम जी थ्री बार आ जाएगा, थ्री एम जी प्लस टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो देखिए ये टू एम जी प्लस वन एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा थ्री एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा टू प्लस वन, तो ये मैं डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूं, ये थ्री हो जाएगा, थ्री कॉस थीटा, थ्री एम जी बाहर ले लीजिए, तो थ्री एम जी, और ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। अब टी आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, जी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से ये वैल्यू, यहाँ पे आप कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जो हमारा बाल्टी को पानी से भर के घुमाने पे, उसमें भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया,
इसके जो नोट्स हैं आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप है वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक, हमारा जो फेसबुक पेज है हेल्पिंग ट्यूटोरियल्स, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी आप अगर नोट्स चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। मैंने कोशिश की है आसान भाषा में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी इशू होता है, चाहे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो सिंपली आप उसकी जो बुक है उसमें से क्वेश्चन की फोटो क्लिक करेंगे, उसको हम लोग हम तक सेंड कर देंगे, और हम जैसे ही हमारे पास टाइम मिलता है हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।